नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूँ आपका प्लस 24/7 में। तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे बुरा बात चल रहा है ना, सबसे बुरा दौर चल रहा है, वो अतिथि शिक्षकों को चल रहा है। क्योंकि अतिथि शिक्षक आज के डेट में एक ऐसा विभाग हो गया है, एक ऐसे कर्मचारी हो गए हैं जो ऐसा इतना ज़्यादा घेर लिया है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या। क्योंकि अतिथि शिक्षक का काम करने के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वो आदमी अब जो अतिथि शिक्षक का आज 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक का काम कर रहे हो, कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस तो उस डिपार्टमेंट में है, तो उनको करना भी क्या। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या निर्णय ले रही है, इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक से एक देखते जाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसको ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें एक्टिव रहेंगे, जितने अपने आवाज़ को उठाएंगे उतना ही ये गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ेगा, और चुनावी साल है तो घोषणाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी के जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो रीवा का है, रीवा में जो ज्ञापन सौंपा गया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। क्या हुआ है रीवा में, आखिर किस मुद्दे को लेकर के बात हुई है। तो जो अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति है जिला रीवा का, मध्य प्रदेश कार्यालय पता चिरुला मंदिर के पास रीवा, इसमें डॉक्टर रविन्द्रनाथ अग्निहोत्री हैं जो संभागीय अध्यक्ष रीवा के हैं, और डॉक्टर शांति देव पांडे जो अध्यक्ष हैं वो रीवा के हैं, ठीक है। दिनांक 1 तारीख 7वां महीना 2023 का जो एक ज्ञापन है ये वायरल हो रहा है, इसमें क्या कहा गया है उनके द्वारा, आइए विस्तार से जानते हैं। तो श्रीमान स्कूल शिक्षा मंत्री उस दिन विदित मतलब गए थे, रीवा गए थे, तो उन्हीं को ये ज्ञापन सौंपा गया है। शासकीय श्रीमान स्कूल शिक्षा मंत्री, शासन मध्य प्रदेश भोपाल। विषय अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के संबंध में मान्यवर निवेदन है कि मध्य प्रदेश से शासकीय विद्यालयों में विगत 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक कार्य में लगकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक सभी अतिथि शिक्षकों को शासन से कोई रणनीति नहीं बनाई गई, जिसमें अतिथि शिक्षकों में घोर निराशा है। सभी अतिथि शिक्षक आज भी मध्य प्रदेश शासन व माननीय जी से आशा लगाए हुए हैं। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों की पीड़ा व भविष्य को समझते हुए समस्याओं का निदान स्थायी नीति बना करके किया जाए। तो अतिथि शिक्षक बंधुओं, जो भी हो आप जागो, ठीक है। सो करके और सिर्फ मोबाइल देख करके, न्यूज़ देख करके आप नियमित नहीं होगे, कुछ करना पड़ेगा। जितने बार आपको बुलाया जाता है आपको एक विशाल आंदोलन करना पड़ेगा जो पहले एक बार किया गया था, ठीक है। और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगी, अपोजिशन भी उस पर आपके साथ आएगा, तो निश्चित है कुछ ना कुछ हो ही सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें होप खो करके नहीं करना है, आशा खो भी देंगे तो दूसरे किस लाइन पे अतिथि शिक्षक भाई जा सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इस बार। अब इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है कि सभी अतिथि शिक्षकों को कि गुरु जी के समान विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर अनुभव के आधार पर नियमित करने की कृपा की जाए, मतलब जो अतिथि शिक्षक हैं उनको जो पहले गुरु जी का पद हुआ करता था उसके समान विभागीय परीक्षा ले लिया जाए एक अलग से, और उनके समान उनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। दूसरी बिंदु इसमें लिखा गया है, अतिथि शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण उनको सीधे नियमित भर्ती करने की कृपा किया जाए, जहाँ हैं उसी पद पर नियमित हो जाए, ठीक है। ये दिनांक 1/7/2023 का लेटर वायरल हो रहा है। तो सरकार इसके बारे में नियमित, यदि आपके द्वारा ज़्यादा आंदोलन वगैरह किया जा रहा है तो प्रेशर होगी और कोई ना कोई नीति बना सकती है, ठीक है। तो मेन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इकट्ठे होइए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है, ठीक है। तो आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर भाग लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं तो क्यों नहीं, एक ना एक दिन अतिथि शिक्षक भी नियमित होंगे। तो इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मुहिम में इकट्ठा हो सकें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।